तो ऑन द स्पॉट 1000 पुलिस आ जाती थी और मुझे ये भी बोला कि तू व्हाट पीपल ब्यूटीफुल एमियंस हाउ आर यू गाइस आई होप माय ऑल एमियंस आर डूइंग वेल। सो आज के दिन मैं एक ऑसम सा सोशल एक्सपेरिमेंट उर्फ प्रैंक एग्जीक्यूट करने वाला हूँ विद माय फ्रेंड ओमकर। सो प्रैंक क्या है वो आपको टाइटल और थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया रहेगा, बट अभी मैं मेरे गेटअप पे आता हूँ। सो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एकदम रेडीमेड भिखारी लग रहा हूँ। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा बात करने में वक्त जाया नहीं करूंगा। उनका शूट कर पाएगा ना? हाँ, हाँ, मेरे को पता नहीं, एकदम धक-धक हो रहा है दिल से। टॉयलेट भी आ रही है, मतलब अंदर ताज में जाके ही करूंगा मैं। वो डर लग रहा है यार, पता नहीं है मतलब कैसे, बहुत टाइम बात कर रहा हूँ ना। सो करते चलो इस, बस इधर तक ही मैं बता सकता हूँ, आगे तक नहीं बता सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। हमारे साथ ये हो गया कि गाइस मैं 5-star होटल में एंट्री कर रहा था बेगर के गेटअप पे और भैया को देख लिया कैमरा शूटिंग करते हुए। मैंने इनको बोला कि गाड़ी के अंदर बैठो, बट उनको व्यू नहीं आ रहा था तो वो बाहर गए शूटिंग करने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड ने उनके हेड को बुलाया। हेड आए, हेड ने मेरे हाथ का मोबाइल देख लिया, वो गलती हो गई, और इनको भी देख लिया शूटिंग करते हुए। और उन्होंने कॉल किया पुलिस को कॉल किया, फिर आधे घंटे वहां पर रुके, पुलिस आई, पुलिस के वैन में हमको बिठाया, स्टेशन गए, फिर वहां पे थोड़ा हम लोग का स्वागत हुआ। पर मतलब हमको हम अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा बुरे तरह से नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है कि शूट चल रहा है वो। बट हमारी गलती है क्या हुई पता है, हमने परमिशन लेके शूट नहीं किया, हमको परमिशन लेके शूट करना था। बट सोशल एक्सपेरिमेंट जो मतलब ये प्रैंक एंड ऑल, परमिशन लेके कौन शूट करता है। बट ठीक है, वो 5-star होटल है, सिक्योरिटी रीजंस रहता है वो लोग का, पर बदले में हमको ये उनके तरफ से फ्री में मास्क मिला। मेरे को लगा कि मस्त बेके एकदम अच्छी तरह से सोशल एक्सपेरिमेंट शूट होगा। बट गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी सोशल एक्सपेरिमेंट ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे कर रहे हो तो परमिशन लेके करो, ऐसा करो मत, या वरना सीन तो ऐसा होगा था कि दो पुलिस ऑफिसर ने हमको ये बोला कि आप सस्पिशियस नहीं थे, अगर थोड़ा सस्पिशियस रहता, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो ऑन द स्पॉट 1000 पुलिस आ जाती थी। और मुझे ये भी बोला कि तू अभी न्यूज चैनल पे होता। यहाँ के लोकल पुलिस कोलाबो पुलिस स्टेशन पे कॉल किया, अगर वो मेन ब्रांच पे कॉल करते ना तो ऑन द स्पॉट 1000 पुलिस जमा हो जाती थी और मेरा जो फोटो है वो न्यूज चैनल पे आता था, मतलब एक्ट ऑफ टेररिज्म में भी। मतलब भाई, अरे हम शूटिंग करने के लिए गए थे, हमारे पास बॉम्ब भी नहीं था। उनका भी सिक्योरिटी रीजंस बराबर है ना, अपने जैसे कोई और भी आ सकते हैं, तो गाइस ऐसा मत करो, परमिशन लेके करो जो करना है वो। अब मेरे पास तो चैनल था बताने के लिए, अभी कोई और जिसका चैनल नहीं, वो सिर्फ शूटिंग के नाम पे सब शूट कर रहा है, क्या बात है उसके जो कुछ बुरा करे इस फुटेज को लेके। तो उन्होंने किया, उनके तरफ से सही था, बट या थोड़ी मतलब हो गया अभी। जो भी किया पुलिस लोग ने, जो भी एक्शन लिया, जो भी होटल के मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया वो ठीक था, बराबर। हाँ, उनके तरह से सही था। हाँ, क्योंकि जो they have their own security reasons, so they have to do it. मूड ऊपर नीचे हो रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि जरा इधर खाना खा लेते हैं, बड़े बड़े मियाँ आ गए हैं तो बड़े मियाँ हम जाएंगे वहाँ पे ठूसेंगे। फिर चल रहा है प्लान कि ताज आज जाते हैं, ताज होटल के अंदर जाते हैं आज, नॉर्मल इस गेटअप पे जाएंगे, उस गेटअप पे नहीं जाएंगे, गेटअप पे नहीं जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं बड़े मियाँ। सो ओमकर का फर्स्ट टाइम है, ओमकर फिर टेस्ट करके बता यार कैसे खाना। अच्छा है, मेरे को ना इधर का एक चीज पसंद नहीं, इधर कॉस्टली तो रहता है बट इतनी तो कम क्वांटिटी रहती है, बट वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों, हाँ, कैसे हो दोस्तों? तो इसी तरह से आज का दिन हम ऐसे ही समाप्त कर रहे हैं हमारा। तो मतलब ठीक है, थोड़ा दिन ओके ओके गया, फिर आज हम ताज होटल गए, वहाँ पे हमने चाय पिए, अब चाय पीने का भी हमने व्लॉग बनाया है, वो आपको मेरे मराठी चैनल पे दिखेगा। सो गाइस, कितने, ओह माय गॉड, कुछ दिख रहा नहीं, ओमकर को दिख रहा है रास्ता, दिख रहा है कि कोहरा कोहरा हो रहा है सब सामने। ठीक है, निचला तक गाड़ी पहुंच तो नहीं तो ढगा, नहीं तो आसमान में पहुंचेंगे। दिखा तो बीका वरना टीका, नहीं दिखा तो टीका वरना बीका। लिटरली बहुत ही बारिश हो रही है गाइस, देख रहे हो मुंबई में आ गई है बाढ़, लिटरली यार पूरा डूब गया है यहाँ पे। इससे अच्छा तो मैं बोट से चला जाता घर पे। ये क्यों पहना है?
ये क्या पहना है? वो थोड़ा भीग गया था तो शर्ट निकाल के रखा मैंने। बाप रे, इट्स ओके, यू कैन शो माय प्राइवेट फोटोज। क्या बोल रहे, जाएंगे ना घर पे, लेकर उतर के स्विमिंग करके जाते हैं। चलो यार पो के जाते, देखो जरा क्या है। भाई जाएगी ना गाड़ी, जाएगी ना। चलो फिर ओमकर ब्रो निकलते हैं। yes. और अच्छा हुआ हम न्यूज चैनल पे आए नहीं, वरना आज तेरी माँ और मेरी माँ न्यूज चैनल पे हमको देखती। तेरी माँ बोलती कि तू क्या दिन भर जीटीए खेल के ये कर रहा था क्या, ताज होटल जाके डायरेक्ट लिटरली के जैसी फीलिंग आ रही थी। बट ठीक है यार, अभी फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।